गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा मैथमेटिक्स होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 9 है और यह 16th of November 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो वर्कशीट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है। तो ये असेसमेंट वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप जो है ना यहाँ से आंसर को और सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है, राइट। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन है, इसमें हर एक क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन इच क्वेश्चन इज कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट 3 क्वेश्चन है एजर्सन्स एंड रीजन, राइट, एजर्सन्स एंड रीजन। तो एज यू नो कि एजर्सन रीजन में सबसे पहले ए ऑप्शन तब होगा जब एजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट होगा, और रीजन जो है ना एजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा होगा, ठीक है। बी ऑप्शन तब सही होगा एजर्सन रीजन दोनों करेक्ट होगा और रीजन एजर्सन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा। सी ऑप्शन तब होगा जब एजर्सन ट्रू होगा यानी और रीजन फॉल्स होगा, और डी ऑप्शन तब होगा जब एजर्सन फॉल्स होगा रीजन ट्रू होगा, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है HCF of two prime number is always one. Yes, two prime number. Prime number जैसा कि आप सभी को पता है, प्राइम नंबर जैसे आपका 2 है फर्स्ट वाले, उसका 3 है, 5 है, 7 है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई HCF देखोगे तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा इसका जो है 2 into 1, ठीक है। उसके बाद आप इसमें कर सकते हो 3 into 1, ठीक है। उसके बाद 5 into 1, तो यहाँ 1 इसमें भी कॉमन आ रहा है और 1 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो इसका जो 1 ही होता है, राइट। तो ये तो करेक्ट है हमारा एजर्सन, ठीक है। रीजन 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, यस, सभी नेचुरल नंबर का 1 कॉमन फैक्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, राइट। तो पहला का आपका ऑप्शन नंबर ए है, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं डियर स्टूडेंट। -5 इज ए 0 पॉलीनोमियल x²-5x²-x-30, और रीजन कहते हैं द अदर 0 ऑफ द पॉलीनोमियल इज -6। तो ये तो हमारा जो डियर स्टूडेंट इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसमें हमारा ए जो है ना यहाँ, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को हम मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और टू को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही 2 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो इसका जो कॉमन HCF है इसका 1 आया, तो ये तो करेक्ट है और एजर्सन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ये ए है, ठीक है इसका। और सेकेंड का आपका क्वेश्चन नंबर x²-x-30 था, इसमें से -5x का वैल्यू पुट करना है, तो -5 का 25 हो जाएगा, यानी इवन नंबर है तो स्क्वायर हमेशा माइनस खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 5 हो गया -30, तो 30-30 तो ये 0 हो गया, तो ये तो हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जो है ना डियर स्टूडेंट बी पोर्शन जो है ना x²-x-30, तो इसके -6 अगर 6 रखेंगे -6 तो 36 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 6 तो ये 42-30, तो ये 12 हो गया आ गया, तो ये 0 नहीं आया, तो हमारा ये ए ऑप्शन सही, एजर्सन सही है, रीजन हमारा फॉल्स है, एजर्सन हमारा करेक्ट है, तो इसका जो ऑप्शन आपका था ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x-y=21 है एंड 3x+5y=49 है, तो पैरल लाइन है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो इसमें जो डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, ये जो पैरल लाइन है, ठीक है, ये तो इसका पहली बात ये पैरल लाइन होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। रीजन कह रहा है द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ये है a1=x+b1=y b1 × y + c1 और a2 × x + b2 × y + c2 × 0, तो गिवन पैरेलल लाइन है, तो a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1, यानी आपका जो है ना डियर स्टूडेंट ये a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 आना चाहिए इस वैल्यू से, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चेक करते हैं इसको सॉल्व करके देखिए। तो उसमें हमारा ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 21 है। ए2 का वैल्यू हमारा 3 है, बी2 का वैल्यू 5 है और सी का 2 का वैल्यू 49 है, तो एजर्सन तो हमारा फॉल्स है, रीजन हमारा ट्रू है, कैसे, क्योंकि 2/3 और 1/5, तो a1/a2 ≠ b1/b2 है, तो नॉट इक्वल है ये, राइट। तो हमारा ये इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखेंगे डियर स्टूडेंट। द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल
प्रोटेक्टर आप याद रखिएगा, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल है प्रोटेक्टर का 14 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है यहाँ? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालना बहुत ही आसान है। देखिए ये प्रोटेक्टर है या फिर इसको चांद कहते हैं हम लोग, ठीक है? ये प्रोटेक्टर है, इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस निकालेंगे तो आर बाई टू होता है, तो 40/2, तो इसको 2 से कट करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा, राइट? तो पाई आर प्लस 2 आर, अगर हमें जो है ना पैरीमीटर निकालना है तो 22/7 इंटू पाई का वैल्यू, और आर का वैल्यू 7, और ये भी आर का वैल्यू 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 प्लस 7 2 जा 14 होता है, 14 और 22 36 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना आपका डी में करेक्ट हो जाएगा। कौन किस में होगा? डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे। इन द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एंड ई आर द पॉइंट साइड ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, सच द डी ई पैरेलल किसका? ए बी का, एंड ए डी इक्वल टू 2x और डी सी इक्वल टू एक्स प्लस 3 और बी इक्वल टू 2x-1 एंड सी एक्स सी इक्वल टू एक्स है, तो वैल्यू हमें x का निकालना है, राइट? तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं अच्छे से। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है? इस ट्रायंगल में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आप इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये जो है वैल्यू इसका, इसका नाम सी देंगे, इसका ए और इसका बी, ये आपको करना ही करना है, राइट? उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना सी और डी का जो वैल्यू एक्स प्लस 3 है, और ये सी और ई का वैल्यू एक्स है, और बी और ई का वैल्यू 2x-1 है, और ए और डी का वैल्यू 2x है, ठीक है? तो हमें फाइंड आउट करना है, इसके बट्टे में ये कर देंगे, इसके बट्टे में ये कर देंगे, ठीक है? फ्रैक्शन में कर देंगे, तो एक्स प्लस 3/2x हो जाएगा, एक्स अपन में 2x-1 हो जाएगा। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से 2x² - x और प्लस 6x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x², ठीक है? अब देखिए इसको जब आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब सॉल्यूशन करेंगे तो 5x, ठीक है? -3 = 0, तो 5x = 3, तो x = 3/5, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 3/5 डियर स्टूडेंट, ये आपके डी ऑप्शन में करेक्ट है, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द फॉलोइंग डाइस, कौन सा गलत है, गलत वाला आपको बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2, बिल्कुल ये होता है। कैसे? देखिए जैसे आपका इवन नंबर है तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 1, 2, 3 नंबर हो गया, और टोटल कितना 6 होता है, तो इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है? तो ये 1/2, ये तो करेक्ट है। उसका सेकेंड कह रहा है, देयर आर द 4 प्राइम नंबर ऑफ द डाइस, प्राइम नंबर नहीं, यही आपका सही है इसमें, यानी गलत वाले आपको बताना, याद रखिए। तो गलत वाले हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है? अब देखिए द वैल्यू ऑफ द अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर फॉर द पी एक्स इक्वल टू, यानी 4x² - 5x - 1 इज, तो ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू के बराबर होगा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम सब जानते हैं, क्लास था 10th में हम मैथ में 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन हमारा 4x² - 5x है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, तो -b हमारा -5 है, ये ऑलरेडी एक माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ए का वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 हो गया, तो 5/4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, ठीक है? तो c कितना है हमारा? -1 है, a कितना है? 4 है, तो -4 और 1/4, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद आपको जो गिवन है अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, तो अल्फा बीटा इसको में कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, तो -1/4, इसका 1/4, ठीक है? और अल्फा प्लस बीटा हमारा 5/4 है, कितना है यहाँ देखिए, ये 5/4 आया ना, ये रहा आपका, ठीक है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये -5/-5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 4 जा 16, तो ये आपका ये सही हो जाएगा, यानी -5/16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। साइन ए इक्वल टू 1/2 होता है, कॉस ए इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ द ए प्लस बी हमें फाइंड करना है। इट्स टू इजी, इसका आंसर आपका 90 है। चलिए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है? देखिए डियर स्टूडेंट, साइन ए इक्वल टू 1/2 कब होता है? जब साइन का वैल्यू 30 होता है, तो साइन ए इक्वल टू साइन 30, तो साइन से साइन ये कट गया, ए इक्वल टू 30, ठीक है? उसके बाद कॉस बी का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस बी इक्वल टू 60 का वैल्यू होता है, तो कॉस से कॉस ये कट गया, तो बी इक्वल टू 60। अब साइन ए प्लस बी कह रहा था, ए प्लस बी 30 + 60 कितना हो गया, ये 90। तो यानी आपका सी ऑप्शन जो मैंने बताया है वो करेक्ट है। क्या है सी ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट? अब 9th क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। 9th क्वेश्चन है हमारा,
टू पॉइंट यानी थ्री और फाइव के बार है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? बिल्कुल नहीं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है कभी, ये तो टर्मिनेट होगा ही नहीं। ये आपका जो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑफ हो जाएगा, ये रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। और ये इरेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं, ये इरेशनल कभी नहीं हो सकता, ये बोथ ए और बी होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये होगा आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। देर आर एट रोटन एप्पल, यानी आठ जो है ना खराब एप्पल है आपके कार्टून में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग एन एप्पल आउट ऑफ द कार्टून टू बाई फाइव द टोटल नंबर ऑफ द एप्पल इन दस कार्टून कितना है, तो ये निकालना है। तो टोटल इसको हम एक्स मान लेंगे। चलिए सोल्यूशन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, नाइन्थ और टेंथ, देखिए हमने नाइन्थ का तो बी अब बता दिया आपका, तो यहाँ पे आप बी लिख लीजिए इजिली, ठीक है। अब देखिए ये एट अपॉन में एक्स कर देते हैं, टू अपॉन में फाइव को, आपको सीधा आंसर तक पहुँचना है क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना एमसीक्यू है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स इक्वल टू एट फाइव या फोर्टी, तो एक्स इक्वल टू फोर्टी अपॉन में टू, तो एक्स इक्वल टू हमारा ट्वेंटी आ गया। डियर स्टूडेंट, लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।